हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सोशलिज्म। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। आज हम करेंगे सोशलिज्म की ब्रांड्स। फर्स्ट ब्रांड इज यूटोपियन सोशलिज्म, जी सबसे पहला ब्रांड है। जब कैपिटलिज्म चल रहा था, कैपिटलिज्म के अंगेंस्ट जब नया व्यू स्टार्ट हुआ कि हम एक नए समाज की स्थापना करते हैं जिसमें सभी प्रॉपर्टी सब लोगों की होगी, हम सब खुशी खुशी रहेंगे, ऐसी फिलॉसफी हमारे सामने है। उस फिलॉसफी को नाम दिया जाता है यूटोपियन सोशलिज्म। यूटोपियन सोशलिज्म का मीनिंग क्या होता है? यूटोपियन सोशलिज्म का मीनिंग है कि इमेजिनेशन, जैसे हम कल्पना करते हैं, वो कल्पना को यूटोपियन बोलते हैं। उसी कल्पना के ऊपर बेस्ड है हमारा यूटोपियन सोशलिज्म। पहले करते हैं इसका टाइम पीरियड। यूटोपियन सोशलिज्म का जन्म कब होता है? ये आइडियोलॉजी हमारे सामने आती है इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी खत्म हो रही थी एंड 19th सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी। उस टाइम के पीरियड में जो फिलोसफी आई उसको हम कहते हैं यूटोपियन सोशलिज्म। और इस यूटोपियन सोशलिज्म के सपोर्टर कौन थे? सेंट साइमन, सिसमंडी, रॉबर्ट ऑन्स एंड प्रोधन, ये क्या थे? इनको फेवर करते थे। इनकी मेनली व्यूज हैं जिन व्यू को हम यूटोपियन सोशलिज्म कहते हैं। पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ यूटोपियन। इसका यूटोपियन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? इट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ परफेक्शन। इट इज द स्टेट ऑफ परफेक्शन विच एग्जिस्ट्स इन आइडियाज और इमेजिनेशंस। एक ऐसी परफेक्शन की स्टेट है जो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में ही एग्जिस्ट कर सकती। मीन्स जब हम यूटोपियन की बात करते हैं, हमारे मन में जो व्यू आते हैं, हम कुछ सोच रहे होते हैं, उन व्यू की बातों को, उन व्यू को, उनकी परफेक्शन को ही यूटोपियन कहते हैं। जैसे आप कोई भी समाज की कल्पना करें, आप किसी चीज़ को सोच रहे हो, जब आप मन में की कोई बात सोच रहे हो, आप उसे पूरे परफेक्ट हो जाते हो। क्या वो सब कुछ बातें प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं? नहीं ना, प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, हमारी कल्पनाएं, हमारी इमेजिनेशन टोटली डिफरेंट होती है। तो जी क्या कह रहे हैं, यूटोपियन सोशलिज्म का नाम क्यों दिया? जो बातें इन्होंने कही वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, वो तो हमारी कल्पनाएं हैं। जैसे हम एक पर्सन कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा समाज हो, वो कल्पना के ऊपर बेस्ड है, लेकिन प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यूटोपियन सोशलिज्म का नाम तभी दिया गया है कि ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन है जिसकी स्थापना कभी भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बन ही नहीं सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं यूटोपियन का मीनिंग क्या है? इट इज द अट्रैक्टिव एंड डिजायरेबल स्टेट जो हर एक पर्सन अचीव करना चाहता है, बट इट इज इम्प्रैक्टिकल। इसको प्रैक्टिकली नहीं उतारा जा सकता। ऐसी स्टेज होती है यूटोपियन स्टेज। तो यूटोपियन सोशलिज्म का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या है कि हम कल्पनाओं के बेस पर एक ऐसे समाज की स्थापना कर रहे हैं जिसमें कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होगा, कोई एक्सप्लाइटेशन नहीं होगी, सभी अपनी खुशी खुशी लाइफ जी रहे होंगे। ऐसा समाज की कल्पना करना ही यूटोपियन सोशलिज्म कहलाता है। तो इसमें क्या था, यूटोपियन सोशलिज्म में क्या किया गया? रिजेक्ट द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि 18th सेंचुरी के एंड में नेगेटिव लिबर्टी का व्यू चल रहा था। नेगेटिव लिबरलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई थी, तो उन्होंने क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए। देन आइडियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इमेजिनेशन, इन्होंने अपनी इमेजिनेशन कितना एक्सपेंड कर दिया कि इनकी इंस्टीट्यूशन आइडियल बन गई। आइडियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इमेजिनेशन में जो कल्पना कर रहे थे हम एक ऐसी समाज की स्थापना करेंगे जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हम सब इक्वल होंगे, कोऑपरेशन से रहेंगे, इसीलिए कहते हैं इमेजिनेशन के ऊपर
बेस्ड इंस्टीट्यूशन को इन्होंने डिवेल्प किया है, जिसमें सब लोगों का वेलफेयर होगा, कोई माइंड थान की फीलिंग नहीं होगी। हम सब जैसे एक फैमिली में रहते हैं ना प्यार से, वैसे हम एक स्टेट में रहेंगे जितने भी स्टेट के पर्सन हैं। तो ऐसी कल्पना की है जिसमें पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होगा, हम सब एक फैमिली की तरह रहेंगे मिलजुल कर, प्रोस्पर एंड पीसफुल लाइफ, सबकी लाइफ बहुत खुशी खुशी स्पेंड होगी, किसी को कोई दुख ही नहीं होगा, ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें टोटली कोऑपरेशन होगा, कंपटीशन की तो बात ही नहीं करते, हम सब आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, जैसे एक फैमिली रह रहे हैं वैसे कंप्लीट कोऑपरेशन के साथ हम रह रहे हैं, एंड सब इक्वल हैं, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगी, ऐसा समाज होगा, किसी के साथ इनजस्ट तो हो ही नहीं सकता, ऐसे समाज की इन्होंने कल्पना की है। तो हम ये कह सकते हैं, जो जो बातें कह रहे हैं ना, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, हमारा भी मन करता है कि ऐसा समाज इस्टैब्लिश हो, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हम 10 फैमिलीज हो जाएं, हम 10 फैमिली आपस में कोऑपरेशन से नहीं रह सकती। तो जो पूरे स्टेट को कह रहे हैं कि आप कोऑपरेशन से रहो, जैसे एक फैमिली की तरह रहते हैं, जिसमें कोई भी माइंड थान की फीलिंग नहीं है, टोटली कोऑपरेशन होगा, इट इज इम्पॉसिबल। ये था मीनिंग ऑफ यूटोपियन सोशलिज्म। नाउ फीचर्स ऑफ यूटोपियन सोशलिज्म, इसकी फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज डिससैटिस्फैक्शन विद द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, जो एग्जिस्ट कर रही थी इंस्टीट्यूशन उनके साथ से डिससैटिस्फाइड थे। कौन सी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रही थी? कैपिटलिज्म की। उस टाइम प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी चल रही थी, जिसमें हमने ये कहा था हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सके, अपनी प्रॉपर्टी कलेक्ट कर सके, तो इससे कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गई, जिस वजह से इनइक्वालिटीज आ गई, मींस हैव्स एंड हैव्स नॉट की दो क्लासेस बन गई, एक जगह लोग बहुत ज्यादा रिच हो गए और दूसरी तरफ लोग बहुत ज्यादा पुअर हो गए, ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा एक्सपेंड की। तो इस सिचुएशन से, कैपिटलिज्म से, जे डिससैटिस्फाइड थे, वो चाहते थे ऐसे समाज को बदल दिया जाए, जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हमको रिप्लेस कर पब्लिक प्रॉपर्टी लाना होगा, सभी प्रॉपर्टी स्टेट की होनी चाहिए, किसी इंडिविजुअल की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेट तो एक लाइफ में चल रहा है, स्टेट की एग्जिस्टेंस पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, इसीलिए सभी प्रॉपर्टी स्टेट की होनी चाहिए और ह्यूमन उसमें रह के अपनी लाइफ स्पेंड करके चला जाएगा। तो प्रॉपर्टी ह्यूमन की क्यों होनी चाहिए? प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए? पब्लिक की होनी चाहिए, एक स्टेट की होनी चाहिए। इसीलिए वो कह रही है, वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ना, इसको खत्म कर दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। नंबर टू, पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट ह्यूमन नेचर। जे कहते हैं ह्यूमन नेचर बहुत अच्छी होती है, ह्यूमन नेचर ही इतनी अच्छी है, वो शांति से रहना चाहती है, प्यार से रहना चाहती है, कोऑपरेशन से रहना चाहती है, उसके लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है ह्यूमन नेचर को, कि एक्चुअल में ह्यूमन नेचर ऐसी ही है, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाए मैं वायलेंट बन जाऊंगी। हम है ही ऐसे कि हमारी नेचर है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है मैं वायलेंट बन सकती हूँ, रेवोल्यूशन कर सकती हूँ, लेकिन जे क्या करे, किसी पर्सन के साथ कुछ गलत नहीं होगा तब तक वो क्या रहेगा, शांत रहेगा। कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि सभी पर्सन बिल्कुल शांत नहीं, उनके साथ अच्छा होता जाए, लेकिन कुछ पर्सन होते हैं ना सोसाइटी में, अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है वो कहते हैं इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ डिस्टर्बेंस होनी चाहिए, जिससे वो मिर्च मसाला कहते हैं, अगर मिर्च मसाला होगा तभी उनको एंजॉय होगा। तो ऐसा तो वो कल्पना भी नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि समाज के सभी लोग जस्टिस पसंद करते हैं, इक्वालिटी पसंद करते हैं, वो गुड कंडक्ट के होते हैं, उनका बिहेवियर इतना अच्छा होता है, वो पीसफुल मीन से रहना चाहते हैं, वो चाहते सबकी लाइफ खुशी खुशी स्पेंड हो,
ऐसी कल्पना करती है ह्यूमन नेचर की। तो उनका ओपिनियन क्या है, पॉजिटिव है रिगार्डिंग द ह्यूमन नेचर। नंबर थर्ड, डॉक्ट्राइन ऑफ कोऑपरेशन, वो कोऑपरेशन के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर रही है। वो कहते हैं कॉम्पिटिशन तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, अगर कॉम्पिटिशन होगा तो लाइफ स्मूथ नहीं होगी, इसीलिए कोऑपरेशन होना चाहिए। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, आपस में मिलकर रह रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्सचेंज हो, हर एक फील्ड में कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में हर जगह कोऑपरेशन होता है। अगर हमने एक काम भी करना है उसके लिए भी कोऑपरेशन एग्जैक्टली नहीं मिलता, तो पूरी सोसाइटी, पूरी स्टेट कोऑपरेशन के साथ चल सकती है। तो ऐसी बातें को हम इमेजिनेशन ही कर सकते हैं कि जहां सब प्यार से रहेंगे। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, यूटोपियन सोशलिज्म, विच इज बेस्ड ऑन अवर आइडियाज और इमेजिनेशन। तो जे कोऑपरेशन को फेवर करते हैं। देन फोर्थ, नॉन अडॉप्शन ऑफ सोशलिज्म बाय स्टेट। स्टेट सोशलिज्म को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। कहते स्टेट को पता नहीं है सोशलिज्म होता क्या है, इसलिए स्टेट सोशलिज्म के डॉक्ट्राइन को पसंद नहीं कर रहा। जो जी कल्पना कर रहे हैं कहते बहुत अच्छी है, हर एक स्टेट को कैपिटलिज्म को खत्म करके सोशलिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन स्टेट एक्सेप्ट नहीं करी। इसका रीजन क्या है, कहते वो स्टेट इग्नोरेंट है, स्टेट को कुछ पता ही नहीं है कि कैसे रहना है चाहिए, कैसे लाइफ जीनी चाहिए, स्टेट इज इग्नोरेंट। दैट्स वाई वो इतनी अच्छी फिलोसफी को नहीं मान रही, दैट्स वाई सोशलिज्म को इस्टेब्लिश नहीं करी अपने स्टेट में। तो इनका मानना है कि अगर स्टेट सोशलिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रही, अडॉप्ट नहीं कर रही ये पॉलिसी, तो इसका रीजन क्या है, स्टेट की इग्नोरेंस। नंबर फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्वल, हम सब क्या है, इक्वल है, कोई रिच पुअर नहीं है, कोई ज्यादा सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, सबकी क्वालिटी सेम मानकर चल रहे हैं। क्या एक्चुअल में हम सब इक्वल हैं, हमारी सबकी क्वालिटी इक्वल जैसी है, हमारा कैलिबर एक जैसा है? नहीं, कुछ पर्सन ज्यादा काम करना प्रेफर करते हैं, कुछ लेजी होते हैं, और किसी के पास ज्यादा वेल्थ होती है, किसी के पास कम होती है। कहते ऐसे सब कुछ डिफरेंसेस को खत्म कर दो, इलिमिनेट ऑल द डिफरेंसेस, वी ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी के बेस पर रहना चाहिए, इक्विटी के बेस पर रहना चाहिए। तो जी इक्विटी जस्टिस के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं, जिस पर पूरी इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज बिलीव इन स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो जिस सोशलिज्म जब इस्टेब्लिश होगा, जिस स्टेट कैसे इस्टेब्लिश होगा, जिस सोशलिज्म इस्टेब्लिश होगा बाय द प्लान इकोनॉमी, स्टेट को हर चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे इंडिया में 5 ईयर्स प्लान चल रहे थे, 5 ईयर प्लान के थ्रू हमने डेवलपमेंट की, तो उसने कहा कि स्टेट को हर एक स्टेप पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। एजुकेशन डेवलप करनी है, इसके लिए प्लानिंग होगी, एंड हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, इसके लिए प्लानिंग, हाउसिंग देना है, उसके लिए प्लानिंग, बेसिक फैसिलिटीज देनी है, प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी है, इसकी प्लानिंग। तो हर एक स्टेप पर प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत लार्ज प्लानिंग होगी, सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड प्लानिंग होगी, तभी हम इस स्टेट में रह सकते हैं। तो ये थे इसके फीचर्स और यूटोपियन सोशलिज्म। क्या रियलिटी में जो हमें जिस सपने दिखाए गए हैं यूटोपियन सोशलिज्म के, इसको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट किया जा सकता है? नहीं, क्यों, इसका क्रिटिसिज्म ही चाहिए। इन्होंने इमेजिनेशन किया, इन्होंने कल्पना किया, इन्होंने कह दिया कि यूटोपियन सोशलिज्म सबसे अच्छा है। ठीक है, मानने में हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई वे तो होगा इसको अडॉप्ट करने का। सोशलिज्म को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, कैसे पूरी स्टेट पर अडॉप्ट किया जाएगा, इनका कोई वे ही नहीं बताया इन्होंने। तो जे किसके ऊपर बेस्ड हो गया, कल्पना के ऊपर, इसीलिए हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि यूटोपियन सोशलिज्म सिर्फ सपना है, कल्पना है, जिसकी प्रैक्टिकली कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है, वो क्या, कि अगर सोशलिज्म स्टार्ट हुआ, जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं, कार्ल मार्क्स से स्टार्ट हुआ है, और जो कार्ल मार्क्स से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कार्ल मार्क्स के जो व्यू थे
इन सोशलिस्ट इन रिफॉर्मर के ऊपर बेस्ड थे। तो कार्ल मार्क्स ने भी अपने भी इनसे डिराइव किए हैं, तब जाकर सोशलिज्म इस्टेब्लिश हुए। तो हम ये कह सकते हैं सोशलिज्म का ये बेस थी जिसके ऊपर सोशलिज्म डिपेंड करता है, बेस्ड है। ये था यूटोपियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।